वी डिस्कस्ड अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू, है ना, इन विच वी डिस्कस द टू टर्म्स, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. नाउ टूडे वी विल डिस्कस द थर्ड वन, दैट इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. थर्ड वी विल डिस्कस इन द एनिमल टिश्यू, वी आर डिस्कसिंग अबाउट कनेक्टिव टिश्यू. इन दिस कनेक्टिव टिश्यू द थर्ड वन इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. ये नाम ही लिखा है बेटे, कनेक्टिव टिश्यू का थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम. ये थर्ड वन है ना, कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, कनेक्टिव टिश्यू में हमने दो डिस्कस कर रहे थे, एरियोलर एंड एडिपोज वी डिस्कस. थर्ड वन इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. बच्चे द नेम इटसेल्फ टेल्स, डेंस मीन्स थिक, लाइक अ कॉम्पैक्ट फॉर्म, है ना. व्हेन द सेल्स आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली, डेंस मीन्स कॉम्पैक्ट फॉर्म. एंड रेगुलर मीन्स जैसे हम पीरियड्स लगा रहे हैं, रेगुलरली इंटरवल पे है, यानी कि एक पैटर्न है कि आफ्टर 45 या 40 मिनट्स, दैट इज अ रेगुलर पैटर्न. व्हेन देयर इज अ रेगुलर पैटर्न, दैट मींस कि रेगुलरली दीज आर अरेंज, दीज आर नॉट लाइक द रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड. एक पैटर्न है इन विच दीज आर अरेंज. ठीक है, इसमें हमने करा था कि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, दीज आर अगेन फर्दर ऑफ टू टाइप्स, टेंडन्स एंड द लिगामेंट्स. ठीक है, वी कैन डू इट हियर इन द डिफरेंस फॉर्म. ठीक है, उसी के बीच में स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन कर सकते हैं, या पहले आपने स्ट्रक्चर, लोकेशन, फंक्शन डिस्कस करना और उसके बाद टेंडन्स एंड लिगामेंट्स का डिफरेंशिएट करना है, वो भी कर सकते हो. नाउ टेल मी फर्स्ट व्हाट यू वांट टू डू. इसमें हमने कोई इसका जो है पर्टिकुलर, यू कैन से सेपरेट डायग्राम नहीं है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स का, वी हैव टू मेक द वन डायग्राम. ठीक है, ठीक है, टेंडन एंड लिगामेंट्स लाइक इसके दो सब पार्ट्स हैं. सो हम लोग पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, या पहले टेंडन्स की स्ट्रक्चर डिस्कस कर लो, लोकेशन कर लो, एंड देन लिगामेंट्स, एंड आफ्टर दैट द डिफरेंशिएशन बिटवीन द टेंडन्स एंड द लिगामेंट्स. पहले टेंडन्स कर लो. डायग्राम सिंगल डायग्राम है, डायग्राम इट्स नॉट लाइक दैट कि हमारे पास कोई इसमें फर्दर आपने डायग्राम्स नहीं बनाने. ठीक है, पहले है टेंडन्स. सब टाइप्स लिखिए, टेंडन्स के न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर लिखो कैसी होती है. फिब्रोब्लास्ट्स आर अरेंज्ड इन अ टेंडन्स के नीचे स्ट्रक्चर. फिब्रोब्लास्ट्स आर अरेंज्ड इन रोज. इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं. फिब्रोब्लास्ट और दूसरा नाम क्या होता है, फिब्रोसाइट्स. फिब्रोब्लास्ट्स आर arranged in a row. यहाँ पे matrix जो होता है ज्यादा होता है as compared to the ligaments. Ligaments में matrix कम होता है. Tendons होते क्या है, ligaments कहाँ होते हैं, ligaments joints, bones to bones को कौन join करता है, ligaments. तो tendons क्या होते हैं, bones to the muscles. ठीक है, यहां पे सेकेंड लिख लो इसकी स्ट्रक्चर. मैट्रिक्स इज मोर, टेंडन्स में मोर, लिगामेंट्स में लेस. डेंस वाइट फिब्रस टिश्यूज आर प्रेजेंट, वाइट फिब्रस टिश्यू आर प्रेजेंट बिकॉज दीज आर मॉडिफाइड फ्रॉम दिस वाइट फिब्रस टिश्यू. These are modified from the white fibrous tissue, so that's why these are having the white fibrous tissue. Dense होते हैं इसके अंदर white fibrous tissue, white fibrous tissue, white fibers से modify होते हैं, that's why these are having a dense white fibrous tissue. ठीक है, non-elastic, these are non-elastic, great strength structure में लिखना है, या
स्ट्रेंथ को हम फंक्शन में लिख देंगे कि प्रोवाइड द ग्रेट स्ट्रेंथ. दीज आर नॉन इलास्टिक रिजिड, नॉन इलास्टिक रिजिड, रिजिड मीन्स टफ, ठीक है, टफ, एक सॉलिड सी जैसे शेप होना कि यू कांट मूव लाइक दैट. रिजिड, टफ, रिजिड और टफ ब्रैकेट में लिख लो. नॉन इलास्टिक नॉन फ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल दोनों में, वो तभी मैंने कहते ना रिजिड टफ कर लो, नॉन फ्लेक्सिबल लिख लो. दीज आर द स्ट्रक्चर्स. नाउ लोकेशन वेयर दे आर प्रेजेंट, दे जॉइंट्स बोन टू द मसल्स, और ठीक है जैसे भी लिखना है बोन्स टू द जॉइंट्स, बोन्स टू मसल्स, ठीक है जी. अब इसके फंक्शन आप ही बता दो मुझे. अगर नॉन इलास्टिक है, नॉन नॉन इलास्टिक नॉन फ्लेक्सिबल या रिजिड कर रहे हैं तो बट दे विल गिव, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ, सीमेंट मतलब कनेक्ट, नेचुरली कनेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे आर हैविंग अ, अलग था वो, ठीक है. तो व्हाट आर द फंक्शन, इट हेल्प्स इन, लिखो फंक्शन, इट हेल्प्स इन मूविंग, इट हेल्प्स इन मूविंग द बोन, इट हेल्प्स इन मूविंग द बोन ऑन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल, ऑन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल. It helps in moving the bone on contraction and relaxation of the muscle. And it provides great strength. It provides great strength. ठीक है ना? हाँ. It provides great strength. Now ligaments. फिर हमने इनके पर difference भी कर रही हूँ, मैं diagram बना देती हूँ भी. Ligaments. लिगामेंट्स के क्या हो जाएंगे, इसके उल्टे स्ट्रक्चर्स में हो गया. क्या लिखा पहला पॉइंट हमने टेंडन्स में, तो फिब्रोब्लास्ट आर अरेंज स्कैटर्ड, मतलब फिब्रोब्लास्ट आर स्कैटर्ड, वहां पे रो में अरेंज है, लिगामेंट्स में दीज आर स्कैटर्ड. दूसरा किसके, एस सी ए डबल टी ई आर ई डी, मैट्रिक्स इज लेस, लिखे हम डिफरेंस पॉइंट लिख लें. हाँ मैं क्या एक बार यहाँ पे थॉरली 7-8 या जितने भी डिफरेंस बनते हैं इस यहाँ डिस्कस कर लें एक बार, रादर देन अब लिखने की बजाय वी कैन डिफरेंशिएट, वही उसके दूसरे पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है. चलो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, फिर आप लोग मुझे पॉइंट्स बोलते जाओ. क्या लिखेंगे पहला पॉइंट, चलो आप फिब्रोब्लास्ट वाला ही ले लो. फिब्रोब्लास्ट आर अरेंज इन, आर अरेंज, अच्छा फिब्रोब्लास्ट एंड अदर नेम इज फिब्रो साइट्स, का मतलब क्या होता है, सेल, लिख लो साइट मींस सेल्स. फिब्रोब्लास्ट आर अरेंज इन अ रो, हाँ हाँ इन अ रो, fibroblast, fibroblast are arranged in a row and fibroblast or fibrocytes are scattered. ठीक है, S रहने, scattered. Then they joins matrix, लिख लो, matrix is less or that means the modification of the white fibrous tissue, modification from white fibrous tissue, so white fibrous tissues are present here. उसमें दोनों होते हैं, उसमें white और वो modification जो है वो white and yellow दोनों से है, so these are the yellow,
नहीं, मॉडिफिकेशन दोनों से ही होती है, बट येलो डोमिनेट होता है, येलो फिब्रस टिश्यू, येलो लिख लो, डेंस लिख लो, येलो लिख लो। पहले जॉइनिंग भी बता दो, बोन्स टू हाँ जी, बोन्स टू नॉन इलास्टिक, देन टफ और रिजिड, नॉन फ्लेक्सिबल, वन ऑफ द सेम थिंग। तो उधर क्या हो जाएंगे, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल, और पॉइंट जो आपके माइंड में हो, वो ये फंक्शन आ गया, वो उसका फंक्शन इधर आ गया, तो फिर इधर किसका फंक्शन क्या होगा, लिगामेंट्स का। कैसे, वेयर इट इज एक्चुअली प्रेजेंट, कहां है, अगर एल्बो, यानी कि एक पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम कह रहे हैं एल्बो, यानी कि यहाँ जॉइंट है ना, तो यहाँ कहाँ प्रेजेंट है, दीज आर प्रेजेंट एट द जॉइंट्स एंड दीज आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द बोन। बताती हूँ, प्रेजेंट एट द और यहाँ पे कहाँ पे हुए, एट द एंड ऑफ द बोन। अगर हम बात कर रहे हैं कि दीज आर प्रेजेंट एट द जॉइंट, तो जॉइंट में ये क्या कर रहे हैं, मूवमेंट में कर रहे हैं। ये देखो मैं बाजू को ऐसे करूं, ऐसे है तो ये मेरी चीज मूव कर रही है, दिस इज मूविंग बिकॉज हियर इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज हियर, ठीक है, तो दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट, वहां पे मूवमेंट इन द कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, यहाँ बोन्स की। राइट डाउन ये वाला पॉइंट लिख लो पहले, हेल्प्स इन द मूवमेंट, टेंडन्स के नीचे लिखो हेल्प्स इन द मूवमेंट, या हेल्प्स इन मूविंग द बोन्स, हेल्प्स इन मूविंग द बोन्स ऑन कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल, हेल्प्स इन द मूविंग द बोन्स इन कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द टेंडन्स में ना, अब लिगामेंट्स में भी तो लिखवाऊंगी ना उसके साथ ही, क्योंकि कंपैरिजन फॉर्म में ही लिखना है। दूसरी तरफ लिखो, लिगामेंट्स का लिखो, इट अलाउज बेंडिंग, अलाउज बेंडिंग एंड रोटेशन, इट अलाउज बेंडिंग एंड रोटेशन, ये बेंडिंग और रोटेशन में हेल्प करेगी ना, लाइक बेंड कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, बेंडिंग एंड रोटेशन ऑफ, बेंडिंग या बेंडिंग एंड रोटेशन मूवमेंट इन जॉइंट्स, बेंडिंग एंड लिगाम, एक मिनट लिख तो ले, बेंडिंग एंड मूवमेंट, सॉरी बेंडिंग एंड रोटेशन मूवमेंट ओवर अ जॉइंट, ठीक है। अब समटाइम ये वियर एंड टीयर हो जाते हैं, ठीक है, सपोज यू आर मतलब पुलिंग और हाँ दैट इज कॉल्ड स्प्रेन, आपके यहाँ पे जो ये प्रेजेंट हैं जॉइंट, जो ये इसको इसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो बीच में कई बार आप फील करते हो कि यू गेट फील कि स्प्रेन हो गया, लाइक आपके वहां पे वियर एंड टीयर हो जाते, बट वो हमारे पास क्या है, टफ, ठीक है, वहां नहीं होते जॉइंट्स को, जो जहाँ जॉइंट्स में जो प्रेजेंट है वहां पे क्या हो जाती है, वियर एंड टीयर। डायग्राम बना ले, अब समझ आ गया कोई पॉइंट, मान्या कहाँ पे, ये आप यहाँ वाली बात कर रहे हो, ये बाइसेप एंड ट्राइसेप वो मस्कुलर टिश्यू है, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर विल, वो वॉलेंट्री मसल्स है, वो यहाँ नहीं है, वो वॉलेंट्री मसल्स है, जो बोन और दूसरी बोन के बीच में है। आपने ऊपर हमने स्केलेटन देखा था ना वहां पे, जब हम उसको दिखाते हैं
स्केलेटन नहीं, एक हमने वो पेल्विक वाले में जब दिखाया था तो तब आपको दिखाया था, वहां पे इस तरह से लगे होते लिगामेंट्स, देखा देखा, ध्यान याद करो, दिखाया, डेफिनेटली दिखाया होगा, अगर जब भी दिखाया, चाहे चरणजीत मैम ने कभी भी, कि सब देखा होगा, फुट का पड़ा हुआ है वहां पे स्केलेटन, वहां पे भी आप देखते हो साइड पे ऐसे ज्वाइन किए हुए हैं, दैट आर द लिगामेंट्स। मैं दोबारा मंगवा के दिखा दूंगी, ठीक है, डायग्राम बना ले। हाँ जी, कोई डिफरेंट डायग्राम नहीं है, सो यू हैव टू मेक अ, हाँ जी हाँ जी, हमने इसका डायग्राम है ही नहीं है, आपने बस इसमें अरेंजमेंट को बता देना है। हमने क्या बात करी थी कि दीज आर अरेंज इन अ रो, राइट, एंड ये रो में अरेंज हो गए इन अ रेगुलर पैटर्न, एक पैटर्न वाइज अरेंज है। दीज आर कॉल्ड द फिब्रोब्लास्ट, दीज आर कॉल्ड फिब्रोब्लास्ट, यहाँ पे फाइबर्स हैं, दीज आर ऑल्सो थिक, एक ही बनाना है, हमने इसके सेपरेट डायग्राम बनाने ही नहीं है बच्चे, सिर्फ आपको समझा रहे हैं, कुछ नहीं आपने करना, वो अलग अलग प्रेजेंट है, दीज आर फिब्रोब्लास्ट, ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ यही बनाना है, इसके अलावा कुछ नहीं बनाना, फिब्रोब्लास्ट और ये फाइबर्स हैं, दोनों ही चीजें कंपैक्टली अरेंज्ड हैं। वो अरे भी वो उसमें कह रहा है जो हमने उसमें बनाई थी, तो वहां पे शो करे थे ना कि उसमें से फाइबर्स अराइज हो रहे थे, ठीक है, किसी ने कुछ बोला था डन, ठीक है, अब आपने करना है नेक्स्ट वाला, दैट इज द स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, पहला करा था हमने कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर, सेकेंड एडिपोज, थर्ड डेंस, ठीक है, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ वन वी आर गोइंग टू डू स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। हां जी, मैं करवाऊं, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, अब ये स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल वर्ड आपको क्या बता रहा है, स्केलेटल दैट मींस अ सपोर्टिव, जो आपकी बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, स्केलेटन एक आपकी पूरी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू क्या हुआ, दैट इज द सपोर्टिव, ठीक है, हाँ, बोन एंड कार्टिलेज डेफिनेटली इसके अंदर करेंगे, पर पहले समझ लो कि स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है क्या। अब हम बात कर रहे हैं कि स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या कह सकते हैं, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, लिख लो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, पहले इसका मतलब समझ लो, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि बोन एंड कार्टिलेज, स्केलेटल सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, अब इसके अंदर एक्चुअली में होता क्या है, स्केलेटल है दैट इज अ सॉलिड, स्केलेटल सॉलिड है, सॉलिड है दैट मींस मैट्रिक्स, जो इसके अंदर मैट्रिक्स है वो क्या है, सॉलिड, मैट्रिक्स इज सॉलिड इन दिस फॉर्म, ठीक है, अगर वो जो मैट्रिक्स सॉलिड है उसके अंदर क्या चीजें प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी को सपोर्ट, रिजिडिटी या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो हमने लिख देना कि उसके अंदर लिविंग सेल्स अक्कर करते हैं फ्लूइड में, जिसको हम बोलते हैं लैकुना, यहां आप इसको पहले ऐसे करो, रुको, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, बोन एंड कार्टिलेज, बट बोन एंड कार्टिलेज से पहले भी अगर मैं एक स्केलेटन की बात करूं तो स्केलेटन में स्केलेटन इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, पहले सुन लो फिर लिखना, skeleton itself divided into two types, exoskeleton and endoskeleton. हमारे पास skeleton दो में divide है, one is exoskeleton और endo. Exo means
एग्जिट, बाहर वाला, बाहर हमारी बॉडी के क्या प्रेजेंट है? हेयर, नेल, ठीक है, इन सम ऑफ द एनिमल्स हॉर्न्स, ठीक है, सो दैट आर द एक्सोस्केलेटन, ठीक है, एंडोस्केलेटन इन साइड द बॉडी, ठीक है, इन साइड द एनिमल बॉडी और द ऑर्गेनिज्म, दिस इज अगेन डिवाइडेड इंटू टू, दैट इज बोन एंड कार्टिलेज. यहां पे ऐसे करो, इस तरह से, हाँ लिख लो ताकि एटलीस्ट लर्न रखने के लिए इजी रहे. स्केलेटन को अगर हम देखें, दो में होता है, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन. एक्सो के नीचे बस हिंट लिख लो, हेयर, नेल्स, इन सम ऑफ द एनिमल्स हॉर्न्स आर प्रेजेंट, ठीक है, दीज आर द एक्सोस्केलेटन. फेदर्स, वो भी एक्सोस्केलेटन है, ठीक है ना, फेदर्स भी हैं बर्ड्स में. और एंडोस्केलेटन इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज बोन एंड कार्टिलेज. अभी कराने लगी हूँ, बोन एंड कार्टिलेज, बोन एंडोस्केलेटन एंड कार्टिलेज एंडोस्केलेटन. करे बेटा, मैं बोलूंगी ना, नेचुरली कराऊंगी. If I am saying wait for a while, that means I have to discuss. Let me finish and after that, if I will not tell, then you can ask. लिखिए बोन. अब हम बोन की स्ट्रक्चर करते हैं. मैं ना पहले बोन का डायग्राम बनाने लगी हूँ, ठीक है, सो दैट इजिली आपको समझाना ईजी हो जाएगा वर्ड्स का, क्योंकि वर्ड्स थोड़े से टिपिकल है, ठीक है. बोन हमारे पास होती कैसी है? रिजिड, ठीक है, बोन रिजिड है, स्ट्रांग होती है. बोन की जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से ड्रॉ करो, साइड पे आप चाहे स्ट्रक्चर लिखते जाओ, मैं साथ साथ में स्ट्रक्चर के पार्ट्स बोलती जाऊंगी, पॉइंट्स. इट इज अ सॉलिड स्ट्रॉन्ग and non-flexible strong solid strong and non-flexible ठीक है, which provide non-flexible skeletal tissue, non-flexible skeletal tissue which consists of a solid matrix, which consists of a solid matrix क्या लाइन बोली है? स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सी नॉन फ्लेक्सीबल स्केलेटल टिश्यू which consists of a solid matrix fluid filled with fluid इसी के साथ ही लिख लो with fluid filled लैकुना. बताती हूं क्या होता है ये. सेकेंड पॉइंट लिखो, लैकुना हैविंग स्पेशल बोन सेल्स, लैकुना हैविंग स्पेशल बोन सेल्स which is called osteocytes. मैं इसी के साथ लिख रही हूं, having bone cells or osteocytes. Bones के cells को osteocytes कहते हैं, क्योंकि bones जो होती हैं, these are made up from this, like ये जो osteocytes हम word use कर रहे हैं, that symbolizes the bones. ठीक है, okay. अब यहाँ पे हमारे पास होता क्या है, लैकुना क्या है? मैंने कहा कि फ्लूइड जो बीच में प्रेजेंट है,
यहाँ पे सॉलिड है, आपने इस तरह से बीच में एक बनाओ सर्कल, दीज आर द हेवर्जियन कैनाल्स, बनाओ तो सही, हेवर्जियन कैनाल्स, इसके आसपास कंसेंट्रिक रिंग्स बनानी, मीन्स सर्कल बनाने हैं, हैविंग द सेम सेंटर, सेम सेंटर के साथ ही हम इसके सर्कल बना रहे हैं। इसी तरह से यहां पे ठीक है, आपकी बुक में लेबलिंग गलत है, बुक वाली मत करना। ये हैं हेवर्जियन कैनाल्स, हां जी, हेवर्जियन कैनाल्स जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती है, नर्व्स होती हैं, ठीक है। अब जो बोन सेल्स है वो ऐसे बनाने हैं इसी के ऊपर, टच नहीं करना एक दूसरे को, थोड़े डिस्टेंस पे, ऐसे यहां पे बना सकते हो इफ यू आर हैविंग अ टाइम यू कैन मेक, अदरवाइज आप एक भी छड़ बना के छोड़ सकते हो। हाँ जी, ओके, इसी तरह से इधर भी होते हैं, इसी तरह से इधर भी होते हैं, बिकॉज बोन सारे प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, तो इट इज प्रेजेंट, ठीक है। आप इसमें एक या दो में बना के छोड़ सकते हो, इट्स नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू मेक द होल डायग्राम, क्लियर है। दिस इज द, अब ये जो हमने बनाया बीच वाला क्या है, हेवर्जियन कैनाल्स, साइड पे जो रिंग्स बनाई है उनको क्या कहा मैंने, ये क्या है, कंसेंट्रिक रिंग्स, कंसेंट्रिक रिंग्स मतलब दोज विच आर हैविंग द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई, क्योंकि कंपस रखी एक सर्कल दूसरा सर्कल सेंटर वही है, ठीक है। एंड जो ये इसके ऊपर बनाए हैं, दीज आर, मैं यहाँ पे लेबलिंग ना हटा देती हूँ, कंफ्यूज ना हो, यहाँ लिखती हूँ हेवर्जियन कैनाल, दीज आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स और द बोन सेल्स, दीज आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स और द बोन सेल्स। अब मेरी बात को यहां पे मैं दो नए वर्ड बोल रही हूं, ध्यान से सुनना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एक ये अरेंज हो गई, एक लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, इन लेयर्स को हम बोलते हैं लैमेली। जब हमारे पास बोन सेल्स आर अरेंज इन अ लेयर्स, दैट इज कॉल्ड लैमेली, और जो इनके बीच का जो स्पेस है दैट इज फिल्ड विद द, एंड दैट इज कॉल्ड लेकुना। लेकुना क्या है, द स्पेस इन बिटवीन द बोन सेल्स, दैट इज लेकुना। और व्हेन दीज लेयर्स आर अरेंज्ड, जब ये लेयर्स अरेंज्ड है, ठीक है, दीज आर कॉल्ड लैमेली। पहले बना लो फिर लिखवा देते हैं, लिखो लिखो करो, बट ऑब्वियस बोलो बोलो। हां जी, ये पूरे ऐसे घूमेंगे सारी जगह पे, कंसेंट्रिंग रिंग्स पे, ठीक है, दीज विल, हाँ हम इतने ही बना देते हैं, इट्स नॉट कंपल्सरी, ये जो
सर्कल्स शो कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो शोइंग दैट कि ये बोन सेल्स हैं।